देखिए दोस्तों, माल तो लोड हो गया है पूरा, अब गेट लगा रहे हैं, अब यहाँ से निकलेंगे दोस्तों। वहाँ से डीजल लेकर निकले हैं, तो आगे का टायर बैठने का मतलब है कि थोड़ा परेशानी हो जाता है। आज शाम में हम लोग का डाब खाया जा रहा है, तो पिया जा रहा है, डाब पिया जा रहा है। तो बंगाल चौधरी का आदत हो गया ना, चाय को खाबो तो वही हो जा रहा है थोड़ा सा उल्टा। तो सुबह हम पी के देखो, नो एंट्री के कई कमेंट आते हैं, नो एंट्री क्या होता है। नो एंट्री का मतलब होता है कि गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग जो पिछला ब्लॉग में देखे होंगे कि हम लोग यहाँ पर लोडिंग के लिए आए हुए थे, तो अभी यहीं पर हैं हम लोग। और अभी हमारा गाड़ी अभी पूरा फाइनल हुआ नहीं, अब होने वाला है, एक डेढ़ घंटा और लगेगा और अपना गाड़ी फाइनल हो जाएगा। कागज़ उसका दिक्कत नहीं है, इसे तो रात में ही मिल जाता, अभी भी मिल जाएगा सुबह जल्दी, क्योंकि रात में गाड़ी में साथ में लोड हुआ था, तो 1 बजे रात में उसको कागज़ मिल गया। कागज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रात में मिल जाता है। तो अभी इंतजार कर रहे हैं, आधा एक घंटा थोड़े से माल बचा हुआ है, वो लोड होकर फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो इधर से ही जाने की प्लानिंग है, पहले प्लानिंग था कि रायपुर इधर से होकर के जाने के लिए, लेकिन अब इधर से ही जा रहे हैं। वो गाड़ी वाला बताया कि नहीं, इधर से नज़दीक ही पड़ेगा। और आप भी जानते करते हैं, संबलपुर से लेकर रायपुर तक टोल टैक्स बहुत है, टोल गेट बहुत मिलता है, तो थोड़ा टोल गेट का ही बचाना है। तो इधर से बोले कि सफ़र भी कम पड़ेगा 60-70 किलोमीटर और टोल गेट भी बचेगा, तो वो गाड़ी निकल गया यहाँ से। तो वो गाड़ी लगभग अभी शाम तक पहुँच जाएगा, रास्ता भी सही बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग भी लोड करके इधर से ही निकलेंगे। देखिए दोस्तों, माल तो लोड हो गया है पूरा, अब गेट लगा रहे हैं, अब यहाँ से निकलेंगे। चलो दोस्तों, गाड़ी लोड हो गया, पापा गए हैं बिल्टी लाने के लिए इधर साइड। तो बिल्टी तुरंत बन गया था, कल रात में ही बन गया था, शायद बन के रखा हुआ था, तो लोडिंग का इंतजार था, तो लोडिंग हो गया, फिर पापा बिल्टी लेके आ रहे हैं। दोस्तों बिल्टी चालान मिल गया, लाने गए थे, सब चीज़ रेडी था, अब लेके निकलते हैं गाड़ी। अब आगे जाके खाना वाना बनाएंगे जो बाकी बचा हुआ है, अभी पंप है, डीजल भी डालना है अपने को, तो जाते हैं। गेट भी है, गेट भी सब खोल रेडी है। देखिए दोस्तों, दोपहर का एक बज चुका है और अभी हम लोग फैक्ट्री से 5-6 किलोमीटर आगे आ गए हैं और यहाँ पे रोड में बीच रोड में खाना बना रहे हैं। बीच रोड में खाना बनाने का मतलब यहाँ नेट हेवी चल रहा है, तो यहाँ बीच रोड में खाना बन रहा है आज। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज रहा है और खाना मेरा बन गया, और देख सकते हैं हम कैसा जगह पर गाड़ी रखे हैं खड़ा करके। आगे में खुला जगह है और फाँका जगह है, और आप लोग का पिछला ब्लॉग लेट गया होगा और उसके कारण गया था कि हमको वहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा था। अब उस चक्कर उसके चलते पिछला ब्लॉग डालने के लेके हम गाड़ी ले वहाँ से निकल गए। हम लोग को जहाँ नेटवर्क मिलता हम वहाँ फिर गाड़ी को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर नेटवर्क मिला तो यहाँ हम गाड़ी को ब्रेक कर दिए। अपना खाना भी बनता रहा और अपना ब्लॉग भी अपलोड होता रहा, तो इसी चलते कभी कभी हम लोग साथ लेट हो जाता है। लोग कई बार हमारे पास ऐसे फ़ोन भी आ जाता है कि इस बार ब्लॉक नहीं चला तो लेट हो रहा है, तो यही कारण होता है। हम लोग को हर जगह हम लोग को नेटवर्क नहीं मिलता अच्छी तरह से, तो हम लोग अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो अपलोड हो चुका है, वीडियो भी चला गया, आप लोग देख ही पिछले ब्लॉग। ठीक है दोस्तों, अपना खाना ही बन गया, अब अपना जो ट्रांसपोर्ट से जो कमीशन वगैरह था, एडवांस वगैरह, वो भी मिल गया अपना। अब निकलते हैं यहाँ से, अब तेल डालेंगे, थोड़ा आराम से ही जाना है, क्योंकि इस रूट पर 2 जगह नो एंट्री लगता है, वो सब रात में खुलता, दिन में खुलने कोई रास्ता नहीं है, तो आराम से ही जाना पड़ेगा, कोई जल्दी अकबकी नहीं, क्योंकि रात को 10-11 बजे नो एंट्री खुलता है, तब पार करेंगे। दोस्तों पेट्रोल पंप तो मिल गया है, आ गए पेट्रोल पंप में डीजल लेने के लिए, डीजल ले लेते हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा मेरा टायर भी देख रहे हैं, हवा कम दिख रहा है, और टायर भी बनाना है। वहाँ देखिए टायर जो है, टायर में देखिए बहुत ज़्यादा दब रहा है, लग रहा है बहुत बारीक पंचर होगा या फिर कोई पंचर जो हो बना होगा पहले से वो लीकेज करता होगा। ऐसे टायर मेरा पंचर नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है पहले का होगा, पंचर बना हुआ वही लीक कर गया होगा, तो कांटी उटी कुछ होगा, तो समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं है, तो इसको जाना बनाना भी ज़रूरी है। तो जा रहे हैं, वो पंप वाला से बात किए तो बोला 5-6 किलोमीटर आगे है जगह, वहाँ टायर वाला है, तो ठीक है तेल डाल के खाना वाना खा करके उसके बाद जाकर वहाँ टायर बनाते हैं। टायर बना बना के सब निश्चित रखेंगे, क्योंकि कभी भी बैठ सकता है ये टायर। दोस्तों वहाँ से डीजल लेकर निकले हैं, तो टायर दुकान पता किए थे उसी से, हम लोग बताए भी थे, तो यहीं पे आकर मिला है, छोटा सा टायर दुकान है यहाँ, यहाँ पे भी पेट्रोल पंप है, देख सकते हैं पूरा खुली जगह, पूरा फाँका फाँका जगह है एकदम, तो बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इधर टायर दुकान वगैरह नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। फिर आगे का टायर बैठने का मतलब है कि थोड़ा परेशानी हो जाता है, जैक फिर लगता नहीं उसमें, तो गुटका का सपोर्ट वगैरह दे करके टायर वाला से भी लिए हैं जैक, तो ले करके बना करके अभी लगा रहे हैं हम लोग, कमिट कर रहे हैं उसको, फिर यहाँ से फिट वोट करेंगे, खाना वाना खा के फिर निकलेंगे अपना यहाँ से। दोस्तों अभी दोपहर के 3 बज रहा, अभी हम और रोहित भैया जा रहे हैं खाने के लिए, पापा उधर टायर दुकान में बैठे हुए, टायर जो बनाना था वो देखना ही पड़ता है कैसे बना रहे, तो पापा उसके बाद आगे खाएंगे, अभी हम और रोहित भैया खा ले रहे हैं। ये दोस्तों हम लोग तो खाना खा के आ गया, यहाँ टायर बनाने के लिए दे दिए हैं, टायर पंक्चर हो गया था
तो फैक्ट्री में कोई स्क्रू घुस गया था और धीरे धीरे कम हो रहा था, तो वही बना रहे हैं। और मेरा उस्ताद गया है खाना खाने के लिए। दोस्तों टायर तो मेरा बन गया और अच्छा हुआ इस रोड फांका रोड में टायर वाला मिल गया, बन गया, लेकिन उतना जुगाड़ नहीं था। लंगोटी गाड़ी में पड़ा हुआ था पुराना, मैंने लगभग लंगोटी ख़राबी था, उसी लंगोटी को लगा दिए अभी, कहीं फिर एक बार खुलवा करके नया लंगोटी लगवाएंगे इसमें। अब क्या रखिए, इधर नोटी का लफड़ा, रात को 12 बजे बोलता है नोटी छोड़ता है, एक शहर है कौन सा नाम बता देंगे उसका, नोटी लगता है तो रात को 12 बजे छोड़ता हुआ, सुबह 6 बजे लग जाता है। अभी यहाँ से 70-80 किलोमीटर बचा हुआ है अभी, तो आगे जाकर रुकेंगे कहीं, जब टायर फिट करके निकलेंगे यहाँ से जा रहे, अभी टायर वाला बिल पेमेंट करके आते हैं। दोस्तों अभी शाम के 5 बज गया है, टायर कंप्लीट करके निकल गए हम लोग। फांका रोड में टायर दुकान नहीं रहने के कारण थोड़ा सा महंगा टायर वाला लिया पैसा, हमारा आगे का सादा टायर है, खाली पंचर फिटिंग का 200 रुपया ले लिया, उतना नहीं होना चाहिए, उतना तो रेडियल में लेता जो कि हवा उसमें ज़्यादा डलाता है, हम लोग इसमें ज़्यादा हवा रहता नहीं है, और भी ठंडा पंचर है, देख सकते हैं पूरा जंगले जंगल रास्ता इधर, तो यही सभी लोग फ़ायदा उठाता है लोग कि अगर कोई गाड़ी वाला आ गया बनाने के लिए, ज़्यादा मजबूरी भी है, कहाँ जाएंगे और बनाना उसी के पास है हम लोग को। और यही अगर जीटी रोड में रहते हैं तो उधर टायर दुकान बहुत है, हर ढावा पे है, हर पेट्रोल पंप में है, तो उधर का रेट सही रखता है, आदमी जानता है कि हम अगर आज ले लेंगे तो कल उसके पास चला जाएगा। ठीक है जा रहे हैं, ऐसे भी रात को बोल रहा है 11-12 बजे नोट्री खुलता है, उसको पार करना है, फिर आगे फिर मिलेगा वो, उसका भी नोट्री पार करना है, जाकर रुकते हैं किसी ढाबा हुआ पे, रात में निकलेंगे। दोस्तों अभी शाम के 6:30 बज गया है और हम लोग खड़े हैं एक ढाबा पे, यहाँ से बलंगीर 35 किलोमीटर है, तो बलंगीर है वो जो शहर का नाम बता रहे थे नोटी वाला, वही बलंगीर है जो है, तो सो बोलता छोटा सा शहर लेकिन काफ़ी ज़्यादा नोटी के समय इसमें रात को 11-12 बजे छोड़ता है वो, और फिर सुबह 5 बजे नोटी लग जाता है। देख सकते हो और भी कंटेनर गाड़ी सब यहाँ पर खड़ा है, तो ये लोग से बातचीत किए हैं, ये सब बोला कि रात को 11 बजे यहाँ से निकलते हैं खाना वाना खा के, तो फिर तब तक जाम भी हट जाता है, नोटी भी खुल जाता है, और इस रोड पर भी हमारे सब्सक्राइब भाई लोग हैं, मिल जाते हैं हमारे और भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये जगह क्या बोलते हैं जगह नाम? इसका नाम खमसरीपाली है। खमसरीपाली। तो यहाँ पर आके रुके हैं, तो भाई साहब भी पहचान के देख करके तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे सब्सक्राइब भाई मतलब इस एरिया में भी है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज शाम में हम लोग डाब खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, डाब पिया जा रहा है, बंगाल चावल का आदत हो गया ना, चाय को खाबो तो वही हो जा रहा है थोड़ा सा उल्टा। ये देखिए रोहित लगा हुआ है उसको छेदा करने में, और अभी नारियल हो गया, नारियल हो गया। बड़ा देख करके वो लिया है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। देखिए ये शुभम को भी दिए हैं काट करके, शुभम पी के देखो, डाब पियो। अरे हम किए हैं छेदा उसमें, हाँ वो उतना जा रहा, उतने थोड़ा सा उठा कर रखो, पूरा सटा देगा तो कैसे होगा। ये देखिए सुबह में भी लगा हुआ है, टना रहा है, आया। हाँ देखिए, चलिए मेरा देखिए रखा हुआ अभी एक पीस, अभी हम भी इसको कटिंग करेंगे तो निकाल के पियेंगे फिर। थोड़ा गर्मी है, गर्मी थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे, गर्मी है यहाँ पर। देखिए दोस्तों अभी 7:30 बज चुके हैं और अभी शीशा उसा साफ कर रहे हैं, यहाँ से 11 बजे निकलना है, तो साफ करके जाएंगे अभी खाने के लिए, तो वहाँ से खा के यहाँ से निकलना है। दोस्तों हमारा रात का खाना भी हो रहा है तड़का, तड़के ही का ऑटो मारे हैं यहाँ, तो सब्जी समझ में आया नहीं इसीलिए तड़का ही, अभी रात में चलना भी है हम लोगों को, सफ़र काटना आज रात में, काफ़ी रात तक गाड़ी चलाना पड़ेगा, तो अभी ये नोटी पार करना है, फिर आगे का नोटी पार करना है, यहाँ से ये अभी 40 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है, उसके बाद फिर अगला नोटरी पार करना है, तो उसको भी पार करना जरूरी नहीं, सुबह नोट ले जाए फिर गाड़ी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, खाना खाते हैं, आधा घंटा रेस्ट करेंगे फिर यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों खाना खा के आ गए हैं, देखते सब गाड़ी सब खड़ा है यहाँ पे, अभी सब नोटरी के लिए,
ये आगे बलंगीर पड़ेगा। तो बलंगीर का कितना बड़ा सिटी क्या, जाकर देखेंगे, इधर आए नहीं तो हमको भी पता चल जाए। और इसके बाद फिर ये नो एंट्री पार करने के बाद 100 किलोमीटर आगे एक और नो एंट्री है, उसका नाम है भवानीपटना, उसको भी पार करना है। तो कई कमेंट आते हैं कि नो एंट्री क्या होता है। नो एंट्री का मतलब होता है कि बड़ा गाड़ी आप सिटी में लेके नहीं जा सकते हैं, उसको नो एंट्री कहते हैं। कई बहुत पिछले ब्लॉग में हम देखे हैं, कई लोग बोलते हैं कि नो एंट्री क्या होता है, तो नो एंट्री का मतलब यही होता है कि आप बड़ा ट्रक लेकर के भारी वाहन उसको सिटी में लेके नहीं जा सकते हैं। बाजार उजार बंद हो जाता है, ट्रैफिक ख़त्म हो जाता है वहाँ का, तब आप जा सकते हैं गाड़ी लेकर के। ये सब का बाईपास बना हुआ नहीं है, इसीलिए के थोड़ा यहाँ पर रुकना पड़ रहा है हम लोग को। अगर बाईपास रहता तो गाड़ी तो कब का, अभी हम शाम तक तो लगता पहुँच जाते हैं वहाँ जहाँ खाली करना था। अब मेरा 2 पॉइंट का माल है, तो 2 पॉइंट का माल में कल एक भी पॉइंट अगर खाली हो जाता तो बहुत अच्छा है। ऐसे कोशिश रहेगा दोनों माल खाली करने का, अगर एक भी पॉइंट खाली हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी जा रहे हैं, आधा घंटा लेटते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से अभी दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, रात के 12 बज चुका है और अभी हम लोग बलंगीर पहुँच गए सिटी में। यही सिटी है जिसमें रात के 11 बजे नो एंट्री छोड़ता है। अभी नो एंट्री छूटा है तब हम लोग फिर जा रहे हैं। अभी थोड़ा दहने बाएँ है, इसमें देखना पड़ता है। हम तो लोकेशन भी लगा कर रखे हैं और ड्राइवर लोग से पूछे हैं, लेकिन लोकेशन में हम चल रहे हैं अभी और ड्राइवर लोग भी जैसे से बताया वैसे से जा ही रहे हैं अभी हम। सिटी तो कोई खास नहीं है, लेकिन इतना मतलब इतना रात में नो एंट्री छोड़ना और फिर सुबह 5 बजे बोलता लग जाता है। वैसे तो हमको सिटी नहीं दिख रहा है कोई जाम लगना कुछ होने वाला। दोस्तों रात में तो हम इसलिए गाड़ी चलाते हैं कि नया जगह पर हमको भी समझना पड़ता है शहर सिटी, और नया तो मान लीजिए रोहित को देंगे तो नया जगह है, इसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ होता है, कहीं कोई पेड़ है या कोई ठोकर है, थोड़ा समझना पड़ जाता है। हमको भी आइडिया लग जाता है, जहाँ एक बार चल जाएंगे तो फिर दिमाग में सब घुस जाता है ना। ये देखिए ये सब टर्निंग है, ये सब टर्निंग पर ध्यान देना पड़ता है, कौन टर्निंग किधर का है क्या है। सिटी तो बड़ा अच्छा है, एकदम चौड़ा जगह है, कोई साफ़ सुथरा एकदम चौड़ा भी है, कोई जाम लगने वाला है नहीं। दोस्तों अभी रात का 2 बज चुका है और एक नो एंट्री तो पार हो गया, अब एक नो एंट्री बचा हुआ भवानीपटना। यहाँ से 50 किलोमीटर और है यहाँ से, अभी तक यहाँ तो पहुँच गए। यहाँ बगल में पेट्रोल पंप है तो सोच रहे हैं कि उस पार भी पता नहीं कैसा जगह मिलेगा कैसा नहीं, तो इसीलिए सोच रहे हैं यहाँ पर 2 घंटा रुक जाते हैं। सुबह इसका नो एंट्री लगता है आराम से 7-8 बजे लगता है, तो उसका टेंशन नहीं है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर 2 घंटा सो लेते हैं, उसका फिर चलते रहेंगे सुबह उठ करके। रोहित तो सोया हुआ अभी तो उसका तो गुड नाइट हो गया है बहुत पहले से ही, तो यहीं पे लगा रहा है अभी पीछे पंप में। तो दोस्तों क्या रहा है कि फिर उस पार जाने के बाद फिर हमको जिसे पिछला ब्लॉग में देखे आप लोग, अपलोड होने में टाइम लग गया, नेटवर्क मिला नहीं मिला, तो उस पार क्या पोजिशन रहेगा। ऐसे तो घाटी एरिया है ये तो पता है, क्योंकि रायपुर से वो आए थे उधर से हम लोग, तो उस एरिया में घाटी एरिया पड़ता है, तो हो सकता है नेटवर्क ना मिल सके। तो यहीं पर अभी हम रुकते हैं, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।